हेलो। ओके, तो लास्ट लेक्चर तक हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है, और यूनिट 3 के स्टार्टिंग के 3 से 4 टॉपिक जो कि मॉडल्स थे हमारे, वो हम लोग यूनिट 2 के कंटिन्यूशन में पढ़ चुके हैं। तो यूनिट 2 में हमने मॉडल्स पढ़े थे, और कुछ लास्ट लेक्चर्स मैंने आपको थ्रू वीडियो पढ़ाए हैं। तो जो हमने मॉडल्स यूनिट 2 में पढ़े थे, उन्हीं के कंटिन्यूशन में 2-3 मॉडल्स हमारे यूनिट 3 के स्टार्टिंग में हैं जो मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। नाउ यूनिट 3 में यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, दिस इज़ मेजर एरियाज़ ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज। ये भी हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसको मैं अगेन इस स्लाइड में स्पेसिफिकली ये बताऊंगी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, उसका रिलेशन ई गवर्नेंस सर्विसेज से कैसे है, और क्या मेजर एरियाज़ हैं। देन मैं ये कंटिन्यू करूँगी कि हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैंने कहा हम लोग फिर से सर्विसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए फिर से एक बार से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुका है। व्हाट इज़ ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस इज़ अ स्मार्ट गवर्नेंस, यानी ऑनलाइन गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, विच इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑफलाइन गवर्नेंस टू एन ऑनलाइन मॉडल। तो ये स्मार्ट भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्मार्ट स्टैंड फॉर एस स्टैंड फॉर सिंपल और स्मार्ट, एम स्टैंड फॉर मॉरल, ए स्टैंड फॉर अकाउंटेबल, आर स्टैंड फॉर रिस्पॉन्सिव, एंड टी स्टैंड फॉर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी। इनके मतलब आपको क्लियर होंगे, हमने पढ़े थे, और मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ पे एस मतलब स्मार्ट लिखा है, इट कैन बी स्मार्ट एज वेल एज सिंपल। तो सिंपल का मतलब क्या होता है, इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। जब भी आप किसी ऑफलाइन स्ट्रक्चर को किसी ऑनलाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपका काम क्या होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर को यूज़र फ्रेंडली बनाना, ना कि उसको इतना कॉम्प्लेक्स बना देना कि जो यूज़र्स उनको जो ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन सिस्टम पे कन्वर्ट हो रहे हैं, वो उसको ना समझ पाए और उसको ड्रॉप करके वापस ऑफलाइन स्ट्रक्चर में मूव बैक कर लें। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर को सबसे पहले क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। नेक्स्ट इज़ मॉरल। इट रिमूव्स ऑल द इमॉरल एक्टिविटीज़ विच हैपन्स ड्यूरिंग अ गवर्नेंस प्रोसेस, नॉट ई गवर्नेंस प्रोसेस। दीज इमॉरल एक्टिविटीज़ कैन इंक्लूड ब्राइबिंग, अनलिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ वेटिंग टाइम एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमारे इमोरल एक्टिविटीज़ में आती हैं, चाहे वो नेपोटिज्म हो, चाहे वो ब्राइबिंग हो, जो हम ऑफलाइन स्ट्रक्चर में कंडक्ट कर सकते हैं, बट जैसे ही हम उस स्ट्रक्चर को ऑनलाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, ये इमोरल एक्टिविटीज़ वैनिश हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ अकाउंटेबल। एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ एनी ऑपरेशन इज़ मोर अकाउंटेबल देन एनी ऑफलाइन स्ट्रक्चर, बिकॉज देर इज़ अ चांस ऑफ डीले, ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, ऑफ लैक ऑफ सर्विसेज इन एन ऑफलाइन स्ट्रक्चर। बट इन एन ऑनलाइन स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर इफ इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, देन इट इज़ अकाउंटेबल फॉर प्रॉपर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड दैट इज़ ऑन टाइम, राइट। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिव। जैसे जैसे हम अपने स्ट्रक्चर को एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, इट बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिव। मोर रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है, कम स्पैन ऑफ टाइम में आपको ज़्यादा सर्विसेज मिल जाती हैं। आपकी एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज सच एज कॉस्ट सेविंग विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रॉम योर होम टू योर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, विद रिस्पेक्ट टू अदर टाइप ऑफ एक्सपेंसिस दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ने के साथ आप घर बैठे ही कम अमाउंट ऑफ टाइम में ज़्यादा सर्विसेज को गेन कर सकते हैं। लास्ट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी स्टैंड्स फॉर पारदर्शिता इन योर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। द डेटा दैट यू हैव गिवन टू द गवर्नमेंट इज सेम फॉर ऑल द यूजर्स थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब क्या है, जब भी हमारा गवर्नेंस कोई प्रोसेस कर रहा होगा, तो उसमें जो डेटा एग्जिस्ट करता है, वही ट्रांसपेरेंट डेटा आपको व्यू या आपको देखने को मिलता है। दिस कैन बी वेरीफाइड यूजिंग अ प्रोसेस नेम्ड एज RTI, जिसकी हेल्प से हम ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नेंस को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगेन मैंने बता दिया, फिर से क्लियर होना चाहिए। सो ई गवर्नेंस इज अ कन्वर्जन ऑफ एन ऑफलाइन गवर्नेंस टू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम एंड मेक दस मेकिंग द गवर्नेंस स्मार्ट। ओके, सो देर आर 4 पिलर्स ऑफ एन ई गवर्नेंस।
ये भी हमने थियोरेटिकली समझा था, ई गवर्नेंस या किसी भी एक ई गवर्नमेंट को बनाने के लिए आपको चार बेसिक चीज़ें चाहिए। फर्स्ट इज़ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब जिनके साथ आप काम करने वाले हो, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो आपके इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिसेज हो, एट्सेट्रा। दीज आर रिसोर्सेज। देन नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली यू नीड ICT। ICT इज़ वॉट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज चाहिए, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम हो, चाहे वो कोई और स्मार्ट डिवाइसेज हो, चाहे वो किसी और तरह का नेटवर्क या स्पैन हो जो आपको किसी टेक्निकल रीजन से हेल्प कर रहा है इस ई गवर्नेंस को अप्लाई करवाने में। नेक्स्ट इज़ यू वॉन्ट पीपल, आपको वो लोग चाहिए जो इस पूरे प्रोसेस को, ई गवर्नेंस को कंडक्ट कराएंगे, एज वेल एज वो लोग चाहिए जो इस प्रोसेस के साथ जुड़ेंगे, यानी यूज़र एंड ऑपरेटर बोथ टाइप ऑफ पीपल्स आर रिक्वायर्ड, ताकि एक सिस्टम प्रॉपरली बनाया जा सके लोगों के द्वारा, एंड दूसरा उसी सिस्टम को यूज़ किया जा सके लोगों के द्वारा। तो पीपल्स आर नेसेसरी। नेक्स्ट लास्ट इज प्रोसेस, द होल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑफलाइन, ऑफलाइन टू ऑनलाइन, एंड द होल प्रोसेस ऑफ एवरी अदर सिस्टम विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इज़ नोन एज प्रोसेस। तो हर प्रक्रिया जो किसी ऑफलाइन को ऑनलाइन सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए लगती है, दैट इज़ योर प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस इज़ मैंडेटरी एंड नेसेसरी। विदाउट प्रॉपर कंडक्शन ऑफ दिस प्रोसेस यू कैन नॉट फॉर्म अ प्रॉपर ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर, राइट? दिस इज, दीज आर द फोर पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। ओके, नेक्स्ट इज, थोड़ा थोड़ा अब हम एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। द टॉप फाइव कंट्रीज विच इम्प्लीमेंटेड ई गवर्नेंस, ये चीज़ भी हमने ऑलरेडी समझ ली थी कि हमारी कंट्री किसी भी फॉर्म में इस रेस में एग्जिस्ट नहीं करती है। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अ डेवलपिंग नेशन, वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट ऑल अवर स्ट्रक्चर इन एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। लाइक हम अपनी कंट्री को कम्प्लीटली कैशलेस नहीं करवा पा रहे हैं, यानी यही सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप अभी भी ऑफलाइन में एग्जिस्ट करते हो। जब तक करेंसी ऑफलाइन रह ज़्यादा यूज होगी, तब तक वो आप एक ऑफलाइन गवर्नेंस के अंदर ही काम कर रहे होगे। तो जैसे जैसे आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हो, वो बेसिकली क्या होती हैं, ज़्यादा एनरिच्ड होती हैं रिसोर्सेज के साथ, और उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होने की वजह से वो उन चार पिलर्स का बहुत प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो एक ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दीज आर द फाइव, टॉप फाइव कंट्रीज, फर्स्ट इज स्वीडन, देन डेनमार्क, नॉर्वे, यूनाइटेड स्टेट्स एंड नीदरलैंड्स। दीज आर द टॉप फाइव कंट्रीज विच हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन देयर कंट्री। ओके, ठीक है, हम लोग कंप्लीट रेस में नहीं हैं, बट वी आर प्रोग्रेसिव टुवर्ड दिस स्ट्रक्चर। तो हमने ई गवर्नेंस को कम्प्लीटली ड्रॉप नहीं किया है, वी आर वर्किंग ऑन इट। सो वाइल वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर मैनेजिंग सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ई गवर्नेंस विच आर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एंड दीज सर्विसेज आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इनमें से बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, जैसे कि ई सुविधा विच प्रोवाइड सर्विसेज लाइक क्रिएटिंग बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन। दिस हेल्प्स यू टू नॉट मूव फ्रॉम योर पर्टिकुलर प्लेस एंड फिल अ फॉर्म ऑन योर सिस्टम एट योर होम विद योर कन्वीनियंस, एंड अकॉर्डिंग डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन अ स्मॉलर स्पैन ऑफ टाइम, राइट? तो दिस, ये कुछ स्ट्रक्चर हैं, इनको हम आगे भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हमारी कंट्री एक ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, तो ये रीजंस है कि हमारी कंट्री एक ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं है। ये परसेंटेज बता रही है कि क्यों नहीं है। इसमें से दिस 15% इज, अगर हमारे पास अराउंड 100 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि हमने स्टार्ट किए हैं, इनिशिएट किए हैं विद रिस्पेक्ट टू ई गवर्नेंस, तो उन 100 प्रोजेक्ट्स में से ओनली 15 प्रोजेक्ट्स आर सक्सेसफुल इन नेचर। अदरवाइज 35% आर पार्टली फेलियर। पार्टली फेलियर मतलब कि
आप कंप्लीटली उस स्ट्रक्चर पे एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू डिपेंड नहीं हो सकते। आपको डेफिनेटली उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑफलाइन बॉडी को रेफर करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। दिस 35 प्रोजेक्ट्स या 35% प्रोजेक्ट्स आर पार्टली फेल्ड या पार्टली सक्सेसफुल, राइट। द मेजर परसेंटेज विच इज़ अराउंड 50% ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर फेल्ड प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इनिशिएट करे गए होंगे, जिन पे कुछ कॉस्ट लगी होगी, कुछ रिसोर्सेज लगे होंगे, और उसके बाद भी वो प्रोजेक्ट्स फेल हो गए क्योंकि वो कोई रिस्पॉन्स या कोई रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करा सके। तो ये चार्ट दिखाने का मतलब क्या है कि हम बात को समझ सके कि हमारी कंट्री एक ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर को फुलफिल क्यों नहीं करा पा रही है। ये परसेंट की वजह से नहीं करा पा रही है। दूसरा बड़ा रीज़न क्या है कि हमारे पास इस 50% को इस 15% के अंदर लाने की कैपेबिलिटीज़ कम है, यानी हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं। देखिए आप यहाँ पे पॉइंट समझने की कोशिश करना। एक तो हमारे पास रिसोर्सेज थे नहीं, जिसकी वजह से हम ऑलरेडी इनको भी इस 15% में नहीं ला पा रहे थे। उसके बाद भी हमारे पास जितना फंड या जितने रिसोर्सेज थे उनको हमने इस 50% में लगाया, यानी इन 50% में डेफिनेटली कुछ कॉस्ट लगी होगी, कुछ लोग लगे होंगे, कुछ प्रोसेस लगा होगा, वही चार पिलर्स लगे होंगे, बट उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो जितना इनपुट आपने किया वो इनपुट एज अ वेस्ट कंसिडर किया गया, यानी उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कराया गया। तो इस पूरे प्रोसेस को देख के हम समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री एक ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होने में के लिए किन किन चीज़ों में, किन किन फेजेज में लैक कर रही है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ द मेजर कॉज, मेजर रीज़न जिसकी वजह से हम लोग अभी भी ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, क्यों ज़रूरी है ई गवर्नेंस, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हमें ई गवर्नेंस बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से ज़रूरी है, जिनमें से पहला रीज़न क्या है कि हम अपने स्ट्रक्चर को ई गवर्नेंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करवा देंगे तो हमारा सबसे पहले टाइम सेव होने लगेगा, यानी हम इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम अपने सर्विसेज को कैप्चर कर सकते हैं। यानी मुझे किसी भी सर्विस तक पहुंचने के लिए सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक का समय नहीं चाहिए। मैं रात को 10 बजे से लेके रात को 12 बजे तक भी उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकूं। इस तरह का स्ट्रक्चर मेरे को क्रिएट करना है। दूसरी चीज़, मैं वहाँ पर जाके अपना टाइम नेसेसरी अननेसेसरी टाइम वेस्ट करूँ और रिसोर्सेज वेस्ट करूँ, कुछ सर्टेन कॉस्ट लगा के वहाँ पे जाऊँ और उसके बाद मुझे रिजल्ट मिले या ना मिले इसकी सर्टेनिटी नहीं है। तो इस प्रोसेस को भी फुलफिल कराने के लिए या इस ड्रॉबैक से बचने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, किसी एक ऑफलाइन स्ट्रक्चर में को छोड़ के ऑनलाइन स्ट्रक्चर में जाने की कोशिश करते हैं। और इन सब से ऊपर हट के भी सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे ही कोई एक ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा, हमारी कंट्री अगर ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे ज़्यादा काम करने लगे, तो होगा क्या, एक स्ट्रॉन्ग और एक एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन चेन बन जाएगी। यानी हर एक इंडिविजुअल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो थ्रू आउट द लाइफ चेंज नहीं होती है, जैसे कि उसका उसके स्कूलिंग जो भी उसने करी है, उसके ग्रेड्स, मार्क्स, जो जॉब क्या कहते हैं, जो भी वो उसके फिंगरप्रिंट्स, जो भी उसका नाम, एड्रेस, डिटेल्स, कुछ चीज़ें जो अपडेट हो सकती हैं वो हो सकती हैं, जो नहीं हो सकती हैं, जो एज इट इज़ थोड़ा बहुत सेम रहती है, उन इन्फॉर्मेशन को हम क्यों बार बार 10 अलग अलग सोर्सेज में फिल करें। क्यों ना हम कोई एक ऐसा सोर्स बना लें किसी एक ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से, ताकि वहीं से डेटा शेयर किया जा सके। इसके इस वक्त मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी बताना चाहूँगी। वी हैव डिजी लॉकर्स, जिसको हम डिजिटल लॉकर्स कहते हैं, जहाँ पे आप अपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं और उनको ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं विद अलग अलग डिपार्टमेंट्स, सर्विसेज जो आपकी इन्फॉर्मेशन चाहती हैं। इसके जैसे आपको कोई भी ऑफलाइन स्ट्रक्चर हमेशा अपने आप पास नहीं रखना पड़ेगा। एंड इन अ डिजिटल लॉकर योर डॉक्यूमेंट्स, योर डेटा इज कम्प्लीटली सिक्योर, राइट। हम लास्ट उसमें आ जाते हैं कि क्या लिमिटेशंस हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम लोग ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट। फर्स्ट चीज इज बजट, नहीं है हमारे पास इतना बजट का सोर्स, या फिर उतना प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कराने के लिए बजट नहीं है कि हम किसी एक ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली फुली इम्प्लीमेंट करा सकें, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स कम्प्लीट नहीं हो पाते हैं या प्रॉपरली इम्प्लीमेंट या मेनटेन नहीं हो पाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज पुअर आईटी लिटरेसी, ये बात भी हमारी डिस्कस हो चुकी थी। मैं प्रोजेक्ट बना दूंगी,
बट उसका कोई यूज़ नहीं है जब उसको यूटिलाइज करने वाले यूजर्स उतने केपेबल नहीं हैं उस स्ट्रक्चर पे काम करने के लिए। तो मैं ये वीडियो बना दूंगी, ये लेक्चर समझा दूंगी, बट ये लेक्चर सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कंप्यूटर खोल सकते हैं, यूट्यूब ऑन कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर लिंक को एक्सेस करके इस वीडियो को देखना जानते हैं। ये वीडियो उनके लिए होगा ही नहीं जिनको कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता, ये वीडियो उनके लिए होगा ही नहीं जो यूट्यूब का नाम ना सुने हो ना उसको ऑपरेट करना जानते हो। तो बिकॉज ऑफ दिस IT इलिटरेसी अपने हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो बनते हैं वो बन के भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज। आ गया मुझे कंप्यूटर करना, मैं गांव में रहती हूँ, पर तो क्या प्रॉब्लम आएगी? लाइट होगी तो कंप्यूटर चलेगा, तो जब लाइट ही नहीं होगी तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, वो सर्विसेज हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस कैन बी अ मेजर कॉज कि अभी भी बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर सप्लाई नहीं है, जिसके वजह से हम इसको इस स्ट्रक्चर को कंप्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ करप्शन। करप्शन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। प्रोजेक्ट बनाने की स्टेजेस भी हमने देख ली थी, वो स्टेजेस के अंदर आप समझ पा रहे थे कि क्या था। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सीधे प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट नहीं हो जाता है, प्रोजेक्ट बनने से पहले ही कुछ स्टेजेस होती हैं बहुत बड़ी बड़ी जिन जिन पे हम लोग को काम करना पड़ता है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बनने वाली स्टेज तक आ ही नहीं पाते हैं। उससे पहले ही प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, एक्सेसिंग, कलेक्शन ऑफ डेटा, ये बहुत सारी चीज़ों में ही इतना फंड, इतना बजट, इतना कॉस्ट लग जाता है कि उस प्रोसेस को या उस प्रोजेक्ट को बनाने तक के लिए कोई बजट बचता नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ करप्शन हम इनिशियल प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा फंड इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके वजह से हमारे पास लेटेस्ट स्टेजेस के लिए फंड नहीं बचता है और हमारा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज प्राइवेसी प्रॉब्लम्स। कुछ तरह की अभी भी इनसिक्योरिटीज़ या प्रॉपर सिक्योरिटी चैनल्स हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम हाई एंड स्ट्रक्चर्स को ऑल ओवर द स्पैन इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। कम स्ट्रक्चर्स कम एरिया में स्पैन हो पाते हैं, जिसके वजह से डेटा सिक्योर रह पाता है, ज़्यादा सिक्योरिटी चैनल्स हम लोग प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी हमारी। नेक्स्ट हम स्कोप्स पर जाते हैं, कहाँ 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 हम लोग ई गवर्नेंस को यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत बार बहुत बार बहुत बार डिस्कस हो चुकी हैं। आप जो एरिया पिक करोगे हर एरिया में आप किसी ना किसी फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ला ही सकते हो, चाहे वो पेंशन्स हो तो ई पेंशन्स हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस होते हैं हमारे, ई हेल्थ केयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे, बहुत सारी वेबसाइट्स जो लैंड रिकॉर्ड्स करती हैं, अलग अलग तरह की यूटिलिटी सर्विसेज हैं हमारी, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, चाहे पासपोर्ट बनाना हो, ऑनलाइन इनिशिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग्स होती हैं, एक्सेट्रा। हर फेज ऑफ लाइफ में अलग अलग तरह की, जिस भी तरह की आप सर्विसेज लेते हो, हर तरह की सर्विसेज को हम इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये लास्ट स्लाइड मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, इसके बाद मैं समझाऊंगी कि हम क्या करने वाले हैं। ये है आपके मेजर इम्प्लीमेंटेशन एरियाज, जहाँ जहाँ आप ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ आपको नाम दिख रहे हैं, ये आप नाम एक बार पढ़ें। इन नामों को मैं अभी यहाँ पे समझा नहीं रही हूँ, ये आपका इम्प्लीमेंटेशन एरिया है। मैं यहाँ पे पहले ये समझाती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो अगर आप ये नाम देख पा रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट है पब्लिक ग्रीवियंसेस, रूरल सर्विसेज, पुलिस एंड सोशल सर्विसेज, दीज फोर टॉपिक्स आर ऑफ योर यूनिट 3 जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो आपको अभी यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, आपको यही चार चीज़ें पढ़नी है। पब्लिक ग्रीवियंसेस क्या है, रूरल सर्विसेज क्या है, पुलिस क्या है और सोशल सर्विसेज क्या है, ये चार चीज़ें आपकी डिस्क्राइब करती हैं यूनिट 3। एंड योर यूनिट 4 इज दीज रेस्ट दीज फोर थिंग्स, पब्लिक इंफॉर्मेशन, योर एग्रीकल्चर सेक्टर, यूटिलिटी पेमेंट्स एंड कमर्शियल सर्विसेज, ये चार सर्विसेज आपकी आती हैं इन यूनिट 4। तो आपकी यूनिट 3 एंड यूनिट 4 सिर्फ आपको इस पेज में दिख रही है, ये चार सर्विसेज आपकी यूनिट 3 के अंदर है और ये चार सर्विसेज आपकी यूनिट 4 के अंदर है। ये बहुत ही छोटे बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको हम देख के समझ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फिर भी हम इनके लाइव रिकॉर्ड्स के साथ, अगर कोई करेंट एग्जिस्टिंग ई गवर्नेंस सर्विस इन सर्विसेज के साथ एग्जिस्ट करती है तो उनके एग्जाम्पल्स के साथ हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। यह आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। इसमें इस लेक्चर की हेल्प से हमने अभी तक का पढ़ा हुआ काफ़ी कुछ रिवाइज भी कर लिया है, प्लस हमने समझ लिया है कि हमारा हमारा सिलेबस कितना बचा है।
इस पेज के बराबर आपका यूनिट 3 और यूनिट 4 दो यूनिट्स हैं जो बहुत कम लेक्चर्स में हम लोग ख़त्म करेंगे। इसके बाद यूनिट 5 आपका बचेगा। यूनिट 5 कंस्टिट्यूट्स ऑफ ओनली 3 टॉपिक्स, जिनमें से 4 टॉपिक्स, जिनमें से एक टॉपिक, दो टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच इज चैलेंजेस ऑफ ई गवर्नेंस, जो हमने यूनिट 1 में कंप्लीट कर लिया है, एंड मेजर एरियाज एंड इश्यूज ऑफ ई गवर्नेंस, जो भी हमने यूनिट 1 में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसी समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें, और जब भी मैं ये वीडियो या कोई PPT मेल कर रही हूँ तो प्लीज़ एक्नॉलेज करें, और अगर कोई समस्या है तो आप वही मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू प्लीज़ मुझे कम्युनिकेट करें, ताकि मैं ये समझ सकूँ कि आप इनको देख रहे हैं, आप इनको पढ़ रहे हैं और आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। ओके, थैंक यू।